नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक के एक और जज की, जिसका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता बोट बोट के प्रोडक्ट्स के ये को फाउंडर हैं, जो बोट के हेडफोन्स वगैरह आते हैं, और शार्क टैंक के जज हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, मैंने अश्नीर ग्रोवर और बाकी शार्क्स की भी डेट ऑफ बर्थ की प्रडिक्शन की है, तो इनकी भी डेट ऑफ बर्थ की प्रडिक्शन करते हैं, जानते हैं किस तरह के इंसान हैं। नेटवर्थ वगैरह तो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन कि इतना पैसा इन्होंने कमाया, मगर इंसान किस तरह के हैं, कि एक्चुअल में जो दिख रहे हैं वैसे ही हैं या अलग इंसान है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में पीछे आई होंगी जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से बताऊँगा, और आने वाला टाइम थोड़ा बहुत कैसा रहेगा, तो उस बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर है, बोट हेडफोन्स वगैरह, और ग्रोथ बहुत अच्छी, जिसे हम कहते हैं कई हज़ार करोड़ की कंपनी की बात करते हैं, मुझे तो इतने हज़ार करोड़, एक करोड़ भी नहीं देखा हमने लाइफ में, मगर इतने हज़ार करोड़ की बात करते हैं, तो यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के मैं हमेशा नंबर्स बताता हूँ, मैंने अश्नीर ग्रोवर की डेट ऑफ बर्थ में भी बताया था 4/14 में, इनकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 4 मार्च 1982। चार नंबर हमेशा आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक के को फाउंडर में ले लो आप, स्टीव जॉब्स में ले लो जिन्होंने बनाया एप्पल बनाया है, या आप आमिर खान ले लो, ये सारों में चार आपको देखने को मिलेगा, तो चार वाले होते ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तो चार डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, मगर चार की अपनी कन्फ्यूजन और अपनी प्रॉब्लम भी होती है, चार की अपनी कन्फ्यूजन और अपनी प्रॉब्लम भी होती है। ऐसे लोग सक्सीड होते हैं, यानी कि सक्सीड नहीं होते, मगर ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अलग हट के कोशिश करते हैं, इन्होंने नॉर्मल काम नहीं करना क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं नॉर्मल काम में, इन्होंने मन बड़ी जल्दी भर जाता है, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, यार कुछ अलग हटके करना है, मार्केट से कुछ अलग होना चाहिए, सारे बंदे राइट जा रहे होंगे, ये लेफ्ट जाके कोई नया रास्ता निकालेंगे, तो ये बहुत स्ट्रांग है और डेट ऑफ बर्थ और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत है इस वजह से। तो 4 मार्च 3 ये मिलके बनाता है कि ये लोग पेरेंट्स को हमेशा, मतलब जिसे हम कहते हैं पेरेंट्स की तरफ हमेशा इनका झुकाव होता है, झुकाव इन द सेंस हर आदमी पेरेंट्स की तरफ, हमारे इंडियन मेंटेलिटी के हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पास रखते हैं, वो तो कोई गलत नहीं है, मगर पेरेंट्स की बात सुन के इनके दिमाग में चलना वो इनके साथ हमेशा रहता है। पेरेंट्स की सुनते हैं तो वाइफ की भी सुनते हैं, पेरेंट्स की सुनते हैं वाइफ की भी सुनते हैं। अब इनकी डेस्टिनी नंबर की बात करें तो डेस्टिनी नंबर है 9। डेस्टिनी नंबर 9 क्या बताता है? डेस्टिनी नंबर जो 9 नंबर होता है, ये नंबर एक बहुत स्टेप्स लेने में सबसे आगे होते हैं, ऐसे लोग देर नहीं लगाएंगे, अगर इनको पता चलेगा ये काम करना है, पैसा इनके पास पड़ा है, करते हैं ये काम, रुकना नहीं, स्टेप्स लेने में 9 नंबर सबसे आगे होता है, मंगल का नंबर होता है, फास्ट नंबर होता है, टिक के बेस वाला काम करते हैं। इधर राहु बेसलेस है, राहु के पास तो रोज नए आइडिया आने, आज मैंने ये भी करना है, आज मैंने वो भी करना है, वो तो किला भी बनाने लग जाएगा कि भैया जो नई भी हो सकती चीज़ वो भी हो कर सकता है, मगर उसको बेस देता है 9, उसको कमांड देता है, कंट्रोल करता है। तो ये चीजें इनकी प्लस पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बेस्ट चीज क्या है कि 4 नंबर को 9 नंबर का सपोर्ट मिला और 3 नंबर का भी हेल्प मिली। अब हम बात करते हैं कि किस पीरियड में इनको प्रॉब्लम आई होगी। देखिए मेन जो इनका स्ट्रगल का पीरियड था वो 2012 के बाद था, 2012 के बाद इनकी अच्छी खासी स्ट्रगल हुई, स्ट्रगल हुई है, इन्होंने हार्डवर्क किया है, मेहनत करी है, दबाव में थे 2012 में, मुझे नहीं पता कि 11-12 में क्या इनके साथ हुआ होगा, मगर 11-12 आते ही ना, या इन्होंने जॉब क्विट कर दी होगी, कुछ भी किया होगा, देखिए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ना हिस्ट्री जानते हैं, कैलकुलेशन मेरी कहती है कि 2011-12 में कुछ इन्होंने क्विट किया है या कुछ किया है ऐसा, जो दबाव में आके, मतलब कि भैया कुछ हट के करना, और जो स्ट्रगल इन्होंने पिछले 8-9 सालों में की है ना, आप सोच भी नहीं सकते जिस प्रेशर के थ्रू ये निकले होंगे, जिस प्रेशर के थ्रू ये निकले होंगे, उस प्रेशर में से ही निकल के आदमी कुछ करके दिखाता है, कुछ बन के दिखाता है। तो ये प्रेशर के अंदर से, प्रेशर में हम सब आते हैं, मगर हम अपने लेवल के हिसाब से करते हैं, मगर आउट ऑफ द बॉक्स करना, और क्योंकि देखिए हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ में ऐसे 1000 लोग और पैदा हुए होंगे, 10,000 लोग पैदा हुए होंगे, सारे थोड़ी बोट या कोई बड़ी कंपनी में पहुंच गए हैं। ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है कि आप एफर्ट्स किस लेवल के कर रहे हैं। आपका पीरियड अच्छा है,
आपने 1,000 रुपये लगाए, आपको 2,000 मिले। उसी लेवल पे उसी अच्छे पीरियड में किसी बंदे ने 1,00,000 रुपए लगाए तो उसको 10,00,000 मिले, किसी ने 1 करोड़ लगाया उसको 10 करोड़ मिले, किसी ने 100 करोड़ लगाया उसको 1,000 करोड़ मिले। तो ऐसे ग्रोथ होती है अपने लेवल के हिसाब से। पीरियड अच्छा तो सबके साथ ही होगा, मगर उस पर कौन कितनी बाजी खेलता है इस पर डिपेंड करता है। तो बाजी खेलने वाले ये लोग होते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ में बाजी खेलना लिखा है। मगर जिस प्रॉब्लम्स और जिस उससे निकल के इनकी जो ग्रोथ हुई है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स है। और अभी काफी लोकप्रियता हो रहे हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं अभी और पब्लिसिटी मिलेगी, साथ में सेम कॉम्बिनेशन इनके पास भी आपको देखने को मिलेंगे कि इनके पास भी सेम कॉम्बिनेशन है अपफ्रंट बोलने के, जो बोलना है वो बोल देना है कि भैया लिहाज नहीं करना, कोई लिहाज नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, फट मुंह पे, तो वो फट मुंह पे कॉम्बिनेशन इनके पास दिखेंगे। वो जो स्ट्रगल का टाइम था उसके बीच में कई कई पीरियड ऐसा 2014-15 में 16 में ऐसा आया था कि इनको समझ नहीं आ रहा थे, सारी लाइनें डिस्टर्ब थी। हम स्ट्रगल देखते हैं, सॉरी हम सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते। स्ट्रगल की बात करें तो ये स्ट्रगल दिखाई गई है। तो ये था कुछ एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन, न्यूमोलॉजिकली कहूंगा, एस्ट्रोलॉजिकली तो नहीं, क्योंकि बर्थ टाइम होता तो मैं शायद कुछ और भी बता पाता, बर्थ टाइम है नहीं और क्या करना है हमने जान के, और अंदर की बातें हमें सिर्फ ये देखना कि पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे इंसान है, अच्छे इंसान है, लवेबल इंसान है, करप्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, मेन चीजें देखी जाती है कि करप्शन करप्ट नहीं, बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है और लॉजिकल बिजनेसमैन है, ये नहीं कि इलॉजिकल बिजनेसमैन है कि पैसा दिख रहा है तो बिजनेस करना नहीं। अपनी जिसे हम कहते हैं कई बार तो वर्ड्स मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, अपने क्या बोलते हैं अब हमारे एथिक्स के साथ बिजनेस करना, एथिक्स के साथ बिजनेस करना होता है वो ये करते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ बात गलत लगी हो तो दिल से माफी चाहूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।